प्रश्न के स्तर से समझ में आता है व्यक्ति का स्तर क्या है। इंग्लिश में एक कहावत है, जब कोई व्यक्ति अपना मुख खोलता है तो पता पड़ता है वो कितना बड़ा मूर्ख है। उसी प्रकार से जब कोई ज्ञानी पुरुष अपना मुख खोलते हैं तब समझ में आता है वो कितने ज्ञानी है। अपियरेंस से समझ में नहीं आएगा। कोई अनपढ़ व्यक्ति को भी आप बहुत सूट वूट पहना देंगे, घड़ी पहना देंगे, गॉगल्स लगा देंगे तो लगेगा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, लेकिन जब मुख खोलेगा तब समझ में आएगा कि उस व्यक्ति की शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है, विवेक क्या है। इसलिए हम बोलते हैं ना, पूरी रामायण खत्म हो गई, अब आप पूछ रहे हैं सीता कौन थी। ऐसे ही कई बार लोग पूरा प्रवचन सुन लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से कृष्ण जो मार्ग के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन उसी प्रकार प्रश्न भी पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछना बुद्धिमानी की निशानी होती है। केवल गर्दन हिलाते रहना बुद्धिमानी की निशानी नहीं है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। वहां श्रीमद् भागवत में कौन प्रश्न पूछ रहे हैं? भागवत, गीता और भागवत दोनों अलग अलग हैं कि एक है? अलग अलग है। भगवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी और श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक है जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया। वहां भी परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। यहाँ भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न पूछने से समझ में आता है व्यक्ति किस स्तर पे है। एक बार एक मंदिर में, नया नया मंदिर था, ऑस्ट्रेलिया की बात है, इस्कॉन का नया मंदिर बना था, वहाँ एक पुजारी सेवा करने की नियुक्त करा गया। नया ही वो भक्त भी था, बड़ी तल्लीनता से, बड़े डेडिकेशन के साथ वो सेवा पूजा करता था। सुबह 3:30 बजे उठता, नहाता, पितरों को उठाता, आरती करता, दिन में 6 बार भोग लगाता, सारे नियम पालन कर रहा था। प्रभुपाद जी को उन्होंने एक पत्र लिखा। प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी मैं इस तरह विग्रहों की सेवा कर रहा हूँ, सुबह 3:30 बजे से रात में 10:30 बजे तक सेवा करता हूँ, पूरे विधि विधानों का पालन कर रहा हूँ, बस मेरा एक डाउट है। क्या डाउट है? कि ये जो 3 मूर्तियाँ हैं ये किसकी हैं, जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ ये है कौन? एक सफ़ेद है, एक पीला है, एक काला है, ये है कौन? वो कौन थे? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो प्रभुपाद जी समझ में आया, इस पुजारी को ये भी नहीं मालूम कि विग्रह कौन है और ये सेवा कर रहा है। तो प्रश्नों के स्तर से समझ में आता है कि व्यक्ति किस आध्यात्मिक उन्नति पे है, वास्तविकता में आगे बढ़ रहा है, वहीं की वहीं है या नीचे जा रहा है। यहाँ अर्जुन बड़े विवेकीपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति, अर्जुन कह रहे हैं, असफल हो जाए जो भक्ति में संलग्न था, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? क्योंकि अभी वो भौतिकवादी भी नहीं रहा, आध्यात्मिकवादी भी नहीं रहा। जब नए नए भक्ति में आते हैं ना तो बड़ा उत्साह होता है। ये एक चलित कहावत है, नया मुसलमान नया मुल्ला जोर से नमाज पढ़ता है। तो जब कोई भक्ति में नया आता है तो बड़ा उत्साह दिखाता है, उसको बोलना पड़ता है कि घर जाओ, अभी मंदिर में ही रहता है पूरा सुबह से रात तक, उसको जबरदस्ती भेजना पड़ता है। लेकिन कुछ समय बाद वो उत्साह धीरे 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 कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भगवान पहले फ्री सैंपल देते हैं भक्ति में, फ्री सैंपल कि भक्ति में कितना आनंद है। उसके बाद भगवान बोलते हैं, अच्छा ये आनंद चाहिए, प्रयास करो, भक्ति में पक्के बने, तभी आनंद मिलेगा। इसलिए कई बार भौतिकवादी लोग जो भक्ति में नए नए आते हैं उनको शुरू में बहुत आनंद आता है, बाद में उनकी समस्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जैसे मान लीजिए आप में से कितने लोग फ्लाइट में सफ़र कर चुके हैं, फ्लाइट में सफ़र कर चुके हैं। जो लोग फ्लाइट में बैठे हैं अब उनको ट्रेन में बैठने का मन नहीं करता,
क्योंकि उनको मालूम है अभी यहाँ से कलकत्ता जाना है, 2 दिन जर्नी में रहेगा, फ्लाइट में 2 घंटे में पहुँचेंगे। तो अभी उनकी मुश्किल क्या है, वो ट्रेन में जाने में मन नहीं लगता है, लेकिन जब फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं तो पैसे भी जेब में नहीं है, तो दोनों ही तरह से मुश्किल होती है। उसी तरह आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद भौतिक वस्तुओं में मन नहीं लगता। आपको कोई बोले सिनेमा जाओ, मन नहीं लगेगा। आपको कोई बोले मदिरा पियो, मन नहीं लगेगा। आपको बोलेगा मांस भक्षण करो, मन नहीं लगेगा। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए जो मूल्य चुकाना पड़ता है, मूल्य से अर्थ क्या है, जो गंभीरता रखनी पड़ती है, वो भी बड़ी भारी लगती है। दोनों ही कठिन हो जाते हैं। समाधान क्या है? ये तो हमारी मुश्किल और बढ़ गई ना। पहले ट्रेन से ही जाते थे तो अच्छा ही था, कभी फ्लाइट में बैठे नहीं थे। इसी तरह भौतिकवादी लोग बड़ा दम मारो दम कर रहे हैं, उनको तो मुश्किल है ही नहीं। अभी जब आ गए भक्ति पथ पे, अभी वहाँ भी मन नहीं लगता है, और थोड़ा सुबह उठने में भी कठिनाई होती है, जप करने में भी कठिनाई होती है, गीता भागवत पढ़ने में भी कठिनाई होती है, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? अर्जुन इस तरह प्रश्न पूछे। देखिए भगवान बोलते हैं 4 तरह के लोग उनकी सेवा में आते हैं, उनकी आध्यात्मिक पथ पर आते हैं। कौन है वो 4 तरह के लोग? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञान। ये 4 तरह के लोग भगवान की सेवा में आते हैं। आर्त का अर्थ क्या है? जो पीड़ित है, जो परेशान है, ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा में आता है। आप लोगों को इस तरह अनुभव होगा, जब हमें मुश्किल होती है, तकलीफें होती हैं, दुख होता है, बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तब भगवान की बड़ी याद आती है। हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तब भगवान की याद नहीं आती। मन्नत मांगने में तो हम बड़े फेमस हैं, लेकिन जब कार्य पूर्ण हो जाता है तब याद भी नहीं रहता कहाँ कहाँ मन्नत मांगनी थी। हमारे पिताजी कोरोना में बहुत बीमार थे, एडमिट थे, तो हमारी माता ने कितनी मन्नत मांग ली उनको भी मालूम नहीं है। अभी उनको हम पूछते हैं अपने क्या क्या हमें पूरा करना है, उनको याद ही नहीं आ रहा है क्या क्या बोल दिए। तो दुख में सब लोग भगवान को स्मरण करते हैं, लेकिन जैसे ही दुख चला जाता है वैसे ही भगवान की विस्मृति हो जाती है। तो आर्त व्यक्ति भगवान की शरण में तो आ जाता है, लेकिन जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं, जब दुख का निवारण हो जाता है, तो भगवान को दोबारा से भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी भगवान का स्मरण करे, सुख में भी स्मरण करे, वो सच्चा भक्त है। जैसे गजेंद्र का उदाहरण आता है भागवत। गजेंद्र की कहानी आप सबने सुनी है। ये हाथी था, बड़ा ही बलवान था। एक बार जल में विहार करने के लिए जाता है और मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। अब ये आर्त कैटेगरी में है, समस्या में भगवान को याद कर रहे हैं। जब तक पानी में मजा कर रहा था तब भगवान का स्मरण नहीं था, जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तब भगवान का स्मरण आ गया। तो भगवान का स्मरण करते हुए स्तुति करने लगा। स्तुति जब शुरू में कर रहा था तो उसकी इच्छा थी कि मैं ये मगरमच्छ से छूट जाऊं, लेकिन स्तुति करते 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 शुद्ध हो गया। भगवान को प्रार्थना करने लगा कि ये संसार से ही मुझे छुड़ा दीजिए, आपके धाम में ले जाइए। तो भगवान तुरंत आ गए और भगवान आकर के गजेंद्र का उद्धार कर। तो मुश्किल में भगवान के पास आना बुरा नहीं है, लेकिन मुश्किल का समाधान होने के बाद भी भक्ति में लगे रहना है, भक्ति में दृढ़ता से पालन करते रहना, ऐसा भक्त सच्चा भक्त है। दूसरा कैटेगरी सबसे फेमस है ये, जो भगवान की शरण में आते हैं। कौन है? अर्थार्थी, अर्थ अर्थी, जिसकी अर्थ की अभिलाषा है। अर्थ मतलब धन या समृद्धि, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। आते ही भगवान के पास हम क्यों? क्योंकि हमको समृद्धि चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुख चाहिए। जैसे ही समृद्धि मिल जाती है वैसे ही भगवान को फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का उदाहरण आता है भागवत में। एक और जो ऐसी अभिलाषा करी थी कि आज तक ऐसी संसार में अभिलाषा किसी ने नहीं की,
आप में से कौन कौन चाहते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाए? हमने ऐसी अभिलाषा ही नहीं करी, जो होनी ही नहीं है हम अभिलाषा क्यों करें, है ना? लेकिन भागवत में एक उदाहरण है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज ने अभिलाषा की थी कि उनका साम्राज्य ब्रह्मा से भी बड़ा है। ब्रह्मा इस सृष्टि के प्रथम जीव है, सारी सृष्टि ब्रह्मा जी बनाते हैं। उनसे बड़ा साम्राज्य मतलब क्या है? इस पूरी सृष्टि से भी बड़ा साम्राज्य, मतलब कुछ नया बनाना पड़ेगा। ऐसा इच्छा रख के भगवान के पास गए थे ध्रुव महाराज। और छोटी उम्र में इतनी गंभीरता से भगवान की आराधना की कि कम समय में भगवान का दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद जब भगवान बोलते हैं ध्रुव मांगो क्या चाहिए, ध्रुव महाराज बोलते हैं मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, अभी स्वयं आप मिल गए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए अर्थार्थी थे लेकिन भक्ति करते करते शुद्ध हो गए। सुदामा भी गए थे भगवान के पास लेकिन कुछ मांग नहीं पाए, हिम्मत ही नहीं हुई। तो भक्ति पथ में आगे बढ़ते 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 हम भगवान को देना सीखते हैं, मांगना नहीं देना। क्या देना है? सेवा देना है, अपना समय देना है, अपनी एकाग्रता देना है, अपना मन देना है। भगवान अर्जुन से पूरी गीता में अर्थ की याचना नहीं कर रहे हैं, मन मांग रहे हैं। मन मना मैं आसक्त मना पार्थ, मन मांग रहे हैं, चित्त मांग रहे हैं। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी एकाग्रता भगवान में लगे। कल हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ बताते हैं कि हमारी चेतना कितनी भगवान में लग रही है ये आवश्यक है। हम जब भक्ति में आ जाएंगे तो कोई चमत्कार नहीं होगा कि एकदम तुरंत हमारे दो हाथ और निकल जाएंगे, हम चतुर्भुज बन जाएंगे, हमारे मुख का वर्ण श्याम वर्ण हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम जब भक्ति में आएंगे तो एक ही सुधार होना चाहिए, हमारी चेतना। हम कितनी विनित भाव से, हम कितनी एकाग्र भाव से भगवान की भक्ति में संलग्न होना चाहिए। भगवान से कुछ मांगना है तो उनकी भक्तिमय सेवा मांगना चाहिए। प्रचलित भजन है ना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का समय। मांगना है तो कुछ ऐसा मांगना है, भगवान से उठपटांग चीजें नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि देखिए भगवान हमारी इच्छा पूर्ण कर देंगे लेकिन भगवान के साथ हमारा संपर्क पक्का नहीं है। तो जैसी इच्छाओं की पूर्ति होगी हम भगवान को दोबारा भूल जाएंगे। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि अपुनार भव दर्शन है। अगर अपुनार दोबारा से ये भव दर्शन, ये भौतिक संसार में नहीं आना चाहते हैं तो क्या आपका दर्शन हो जाए, आपके साथ संपर्क हो जाए, आपकी स्मृति हमेशा मन में बनी रहे, ये भगवान के सामने आके प्रार्थना करें कि भगवान आपका स्मरण हमेशा हो। अर्थात और तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जिज्ञासु। देखते इस्कॉन मंदिर में होता क्या है, क्या करते हैं ये लोग, इतना नाचते हैं, किस खुशी में नाचते हैं, कौन सी लॉटरी इनकी लग गई है। जिज्ञासु, कुछ अभिलाषा जानने की है इसलिए भक्ति पथ में आना है। लेकिन जब समझ जाते हैं तो भक्ति में पक्के हो जाते हैं। देखने के लिए आए थे लत लग जाती है। कई लोग होते हैं ना, चाय अंग्रेजों ने कैसे भारत में इंट्रोड्यूस की थी, चाय पहले बिक नहीं रही थी भारत, तो जो ब्रिटिशर्स थे अंग्रेज थे उन्होंने फ्री स्टॉल लगा दी, फिर भी चाय नहीं बिक रही थी, फ्री में भी नहीं पी रहा था। तो अंग्रेजों ने बोला इसमें अब दूध डाल दो, भारतीय दूध बड़ा पसंद है करते, तो दूध डाल के चाय फ्री में बांटने लगे। अभी घर घर में चाय की लत लग गई, कोई मेहमान आए और आप चाय ना पिलाए तो ये बहुत बड़ा अपमान है, अभी आदत लग गई चाय की। उसी तरह भक्ति में आता है जिज्ञासु, किसी इच्छा को लेकर। फिर भक्ति में समाज में मन लग जाता है, आनंद लग जाता है। प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन शुरू किया 1966 में
बहुत लोग प्रभुपाद जी से जुड़ने लगे। फिर कभी कभी मन में आता था किसी किसी भक्त के, अरे क्या सुबह उठना, क्या जप करना, क्या भगवद गीता सुनना डेली डेली, छोड़ो कहीं और चले जाऊंगा। तो जब वो जाने के लिए रेडी होते थे तो गेट पे मंदिर का जो द्वार था, निकास द्वार, उस निकास द्वार पे प्रभुपाद जी एक मटका रखते थे। उस मटके में चाशनी भरी होती थी और गुलाब जामुन होते थे। तो जाते जाते ये भक्त सोचता था, अरे जा तो रहा ही हूँ, एक गुलाब जामुन टेस्ट करते हुए जाता था। तो वो जब गुलाब जामुन खाता था तो बस फिर उसका प्लान चेंज हो जाता था, कितना अच्छा मार्ग है, इसको छोड़ के क्यों जाना। लेकिन भगवान बोलते हैं ये तीनों लोग, कौन तीन लोग, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, ये तीनों लोग ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। ये मेरे पास आते हैं, बाद में भक्ति छोड़ने का रिस्क ज्यादा है। सबसे अच्छा व्यक्ति है ज्ञानी, उदार व्यक्ति है, ये लंबा सोचता है कि नहीं, मुझे भगवान की शरण किसी भी हद पे नहीं छोड़नी। लेकिन फिर भी यदि ऐसा हो जाए, अर्जुन बोल रहा है, किसी कारण से योग भ्रष्ट हो जाए, पथ से च्युत हो जाए, भक्ति से च्युत हो जाए, तो क्या होगा। भागवत में एक उदाहरण है भरत महाराज का। भरत महाराज भगवान के भक्ति में इतने उन्नत हो गए थे, भाव स्तर पे आ गए थे। भाव स्तर में भक्त भगवान के भाव में रोता है, रोम अश्रु पुलक सारे उसके अंदर अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं। ऐसा भाव स्तर का भक्त भी क्या हो गया, एक दिन जब भगवान के ऊपर ध्यान कर रहा था तो एक हिरणी, गर्भवती हिरणी, शेर से डर के भाग रही थी, और भागती 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 जब वो नहर को पार कर रही थी उसी समय एक हिरण के बच्चे को जन्म दे देती है। तो बच्चे को जन्म दे देती है, ये हिरणी की मृत्यु हो जाती है। अब सामने एक बच्चा है नवजात, क्या करेंगे। भरत महाराज उसको उठा लेते हैं, मिलाते हैं, साफ करते हैं, भोजन इत्यादि देते हैं, और धीरे धीरे उस हिरण के प्रति आसक्ति आसक्ति सबके जीवन में है, कुछ ना कुछ चीज के प्रति आसक्ति। भागवत भरत महाराज का हिरण का उदाहरण दे रहे हैं, हमारा हिरण अलग अलग है। कोई फोन के प्रति आसक्त है, कोई घर के प्रति आसक्त है, कोई कपड़ों के प्रति आसक्त है, और माताओं को ज्यादा अनुभव है, फटे पुराने कपड़ों के प्रति आसक्त है, जो थैलियां इकट्ठी करती हैं घर में उसके प्रति आसक्ति, लड़ाई हो जाती है उनके बीच में। पुरुष लोगों का अपनी गाड़ी के प्रति आसक्ति, जॉब के प्रति अलग अलग आसक्ति, पुत्र पुत्रियों में आसक्ति। भरत महाराज भी आसक्त हो, आसक्त तो होना बुरा नहीं है, आसक्ति में भगवान को भूलना बुरा है। वृंदावन में सभी लोग गृहस्थ हैं, कोई बाबा साधु नहीं है वृंदावन। अभी का वृंदावन नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण का वृंदावन। सभी गृहस्थ हैं, उनका परिवार है, पुत्र है, पत्नी है, बुजुर्ग है, सभी हैं, गाय है, सभी अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आसक्त हैं, लेकिन कृष्ण से सर्वाधिक आसक्त। कोई भी आसक्ति इतनी नहीं है जो कृष्ण से ज्यादा हो। तो भक्ति में च्युत कब होते हैं, जब हमारी आसक्ति भगवान से ज्यादा किसी और वस्तु में लग जाती है, तो भक्ति से च्युत होती है। लेकिन भगवान फिर भी अवसर देते हैं। भरत महाराज हिरण के प्रति आसक्त हो गए, वो भगवान को भूल गए, लेकिन भगवान उनको नहीं भूले। उनका जितना आध्यात्मिक उन्नति हुई थी वो भगवान ने संरक्षित करके रखा, ठीक है दोबारा से जब शुरू करेगा वहीं से दे देंगे। हिरण के प्रति इतने आसक्त हो गए, हिरण के देख रेख में, पालन पोषण में जब साधन सब छोड़ दिए। एक दिन हिरण बड़ा तो हो ही गया था, हिरणों के झुंड के साथ निकल गया। अब भरत महाराज क्या करेंगे, पीछे पीछे भागने लगे, कहाँ गया, और बोलने लगे कि पृथ्वी तुम कितनी भाग्यशाली थी, ये हिरण के पैर तुम्हारे ऊपर चलते थे, अभी तुम्हें वो हिरण नहीं मिल रहा है, तुम कितनी दुर्भाग्यशाली होगी।
और देखो मैं इसका संरक्षण करता था, मेरे बिना इस रण का क्या होगा, हम सबको यही लगता है ना, हमारे बिना हमारे परिवार का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, शायद इससे अच्छा ही चलेगा। लेकिन भरत महाराज ऐसे ही सोच रहे थे और उसी चेतना में उनकी मृत्यु हो गई। अगला जीवन किसका मिला? हिरण का। यम यम वापी स्मरण में, जो अंतकाल में स्मरण आएगा वही अगला जीवन है। अंतकाल में क्या स्मरण आएगा? कोई बोल सकता है कि अरे हम तो मरते टाइम राम का नाम ले लेंगे या फिर भगवान का नाम लेंगे और गोली मार लेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। ऐसा नहीं, भगवान छलियों में सबसे बड़ा छली है, कृष्ण गीता में बोलते हैं। सबसे बड़ा धोखेबाज मैं हूँ, भगवान बोलते हैं, जो मुझे धोखा देता है मैं उसको धोखा देता हूँ। तो हिरण भगवान, हिरण बन गए भरत महाराज, अभी भी भगवान उनको स्मृति दे दिए कि नहीं मैं भक्त था, आसक्ति के कारण हिरण बन गए। फिर सतर्क हो गए, ऐसे सतर्क हो गए कि हरी घास भी नहीं खाते थे, सूखी घास खाते, कहीं आसक्त ना हो जाऊं, दोबारा से भौतिक संसार में ना लिप्त हो जाए। और तीसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में बाद में भगवान की शुद्ध भक्ति करके भगवान के धाम चले। कहने का अभिप्राय है भगवान हमें हमेशा मौका देते रहे, हमेशा, लेकिन यदि हम भक्ति पथ से च्युत हो जाएंगे तो विलंब ज्यादा हो जाएगा। अगर उसी जन्म में भरत महाराज हिरण के प्रति आसक्त नहीं होते तो उसी जन्म में भगवत धाम चले जाए, लेकिन क्योंकि आसक्त हो गए तीन जन्म लग गए। अब हमें निर्णय लेना है, इसी जन्म में भगवान के पास जाना है कि अलग अलग जन्म लेके बहुत सारे विलंब के बाद भगवान के पास जाना, हमें निर्णय लेना है। उसी क्रम में अर्जुन प्रश्न पूछना है, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही असफलताओं सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? अर्जुन पूछ रहे हैं कि देखो भौतिक संसार तो अपने छोड़ ही दिया, अब आध्यात्मिक से भी च्युत हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जैसे बादलों के झुंड से कोई बादल च्युत हो गया है, अब वो वर्षा भी नहीं कर सकता है और बादलों का संग भी छूट गया, तो वो छूटे हुए बादल की क्या स्थिति होगी? अर्जुन पूछता है भगवान ऐसे व्यक्ति को कैसे अपने धाम में वापस लाते हैं, कैसे भक्ति पथ में वापस लाते हैं, ये अर्जुन पूछ रहा है। बहुत विशेष प्रश्न है, इसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। कई बार मन में ऐसा आ जाता है कि हम भक्ति छोड़ के चले गए, या अभी बहुत जब साधन हो गया अब छोड़ दो, भक्ति भी ज्यादा भी नहीं होना। अति सर्वत्र वर्जयेत का फॉर्मूला भक्ति में ही लगाते हैं कि ज्यादा अति भक्ति मत करो, बचपन का काम बचपन में मत करो, बहुत सुनेंगे कि बात ज्यादा भक्ति मत करो। प्रभुपाद जी का एक मंदिर है हवाई में, उधर एक भक्त है बहुत गंभीर था, एक दिन उसने यही निर्णय कर लिया, अरे बहुत भक्ति हो गई, अब भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। तो वो मंदिर से सब छोड़ छाड़ के किसी को बिना बताए चला गया। वो मंदिर था समुद्र तट पे, वहां पर उसने सोचा कि अब हम सर्फिंग करेंगे, थोड़ा मजा करेंगे, तो समुद्र की लहरों में आनंद प्राप्त करने लगे। उसी बीच में एक शार्क मछली आई और शार्क मछली उसकी यानी कहानी क्या भावानी प्रदक्षिणा करने लगी। अब डर गया जोर से, क्या करेंगे, डर में किसकी याद आती है, फिर से भगवान नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाद दाई ने जितने मंत्र थे सब बोलने लगा, और वो शार्क मछली भी मजा ले रही थी, वो चक्कर काटती जा रही थी। अब जब तक उसने निर्णय नहीं कर लिया नहीं मैं मंदिर वापस नहीं जाऊंगा, तब तक मछली ने छोड़ा नहीं। जब मछली चली गई वैसे गीली अवस्था में मंदिर वापस आ गया। भक्त लोग पूछने, प्रभु जी कहाँ गए थे? बोले कहीं नहीं गया था, और कहीं जाने का प्रोग्राम है भी नहीं, कहीं नहीं जाना था। तो कई बार भक्ति से च्युत होने का जब मूड हो तो ये सोचना चाहिए कि विपदाओं के समय कौन मदद करेगा, हम अलग छूट जाएंगे उस समय कौन मदद करेगा, मृत्यु के समय कौन मदद करेगा,
मृत्यु के समय एक ही सहायक है भगवान का हरिनाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उद्धारक मंत्र है, भगवान का हरिनाम ही साथ में जाएगा। तो इस हरिनाम के प्रति कितनी आसक्ति होना चाहिए? तो अर्जुन डाउट में है, यदि कोई हरिनाम के प्रति आसक्त भी ना हो और भक्ति में चुत हो के भौतिक संसार में भी मजा नहीं लग रहा है, ऐसे व्यक्ति का क्या करेंगे? देखिए, कोई छोटी छोटी अवस्था में व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। शौबरी मुनि का नाम किस किस ने सुना है? शौबरी मुनि, भागवत में शौबरी मुनि की कथा आता है। समुद्र में हजारों मील नीचे गहराई में बैठ के तपस्या कर रहे थे शौबरी मुनि। हम और आप तो क्या तपस्या करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा तो सब तपस्या भंग। लेकिन शौबरी मुनि समुद्र की गहराई में बैठ के तपस्या कर, बीच में थोड़ी आंख खोली तो देखा दो मछलियां संभोग कर रही। वो देख करके भ्रमित हो गए और पानी से निकल करके राजा के पास गए, बोले मुझे विवाह कर, तुरंत इमीडिएट कर। तो किस अवस्था में कौन भ्रमित हो जाएगा? दूसरा उदाहरण है विश्वामित्र, हजारों हजारों साल तपस्या की, बाद में एक क्षण 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 एक अवसर आही, सारी तपस्या भंग। तो हमारे जीवन में किस तरह प्रलोभन आएंगे और कैसे भक्ति के इस धन को छीन करके ले जाएगी, हम अपेक्षा भी नहीं, हम उम्मीद भी नहीं कर सकते क्या होंगे। तो वही अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है कि हे कृष्ण, मेरी यही संदेह है कि मैं आपसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो मेरे संदेह को दूर कर सके, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरे संदेह को दूर कर सके। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे बताइए कि इस डाउट से मैं कैसे बाहर निकलूं। भक्ति पथ में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यदि चुत हो जाएंगे तो क्या होगा? हर व्यक्ति को सिक्योरिटी चाहिए, है? कोई धन की सिक्योरिटी रखता है, कोई परिवार की सिक्योरिटी रखता है, कोई संबंधियों की सिक्योरिटी रखता है। हमारे भक्ति जीवन में सिक्योरिटी क्यों? हमने इतना समय दिया, होगा क्या? प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था ना कि प्रभुपाद, आप इतना भजन कर रहे हैं, इतना कीर्तन कर रहे हैं, इतना पठन कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, बाद में यदि पता पड़े कृष्ण है ही नहीं तो क्या होगा? प्रभुपाद जी फायर बैक करते हैं कृष्ण, हम तो अभी आनंद कर रहे हैं, बाद में भी आनंद करेंगे। आप सोच के देखिए, आप जितना पाप कर्म कर रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, आपको यदि अंत समय में पता पड़े कि भगवान है, आपका क्या होगा? यमराज है, आपका क्या होगा? उस समय कोई नहीं बचा पाएगा। तो अर्जुन नहीं बोल रहे हैं कि भगवान सिक्योरिटी क्या है, क्या होगा? हम अगर भक्ति पद से च्युत हो जाएंगे तो हमें कौन बचाएगा? भगवान उसी को आगे व्याख्या करेंगे कि धर्म च्युत व्यक्ति, योग भ्रष्ट व्यक्ति कैसे आगे बढ़ पाएगा। गीता में भगवान गारंटी देते हैं, थोड़ा सा स्वल्पमपियस्य धर्मस्य, थोड़ा सा इस पथ पे आगे बढ़े त्रायते महतोभिः, बड़े बड़े संकटों से रक्षा करने वाली है भक्ति। धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करते हैं। तो भक्ति का पथ इतना सुयोग दे रहा है कि हम जितना ज्यादा भक्ति पथ पे आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा ही भगवान हमारी जिम्मेदारी है। उसी श्रृंखला में अर्जुन के प्रश्न हैं और हम लोग आगे सुनेंगे भगवान क्या उत्तर। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, माइक है तो ठीक है, आप बोलिए, मैं दोहरा।
प्रश्न है कि यदि हम भगवान की सेवा, विग्रहों की सेवा अनजाने में करें, हमको ज्यादा ज्ञान नहीं है, और कोई भक्त बड़ा समझ समझ के सब कुछ करके अगर शास्त्रों के पालन करके सेवा अर्चना करे, तो अंतर क्या है? इसके दो उत्तर हैं। एक है, आग यदि आप अनजाने में हाथ लगाएं, चाहे जानबूझ के लगाएं, आग जलाएगी। उसी तरह ये न कि न प्रकार किसी भी स्थिति में भगवान की अर्चना, पूजा, आराधना करें, वो अपना इफेक्ट दिखाएगी। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनको मालूम है आग से भोजन भी पका सकते हैं, आग से ताप भी ले सकते हैं, आग से जल भी सकते हैं। उसी प्रकार से जो भक्ति में शास्त्रों को समझ के भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति ज़्यादा बेनिफिट उठा सकता है, क्योंकि वो भगवान को विवेक के साथ, ज्ञान के साथ, भगवान को जिनको बांधा नहीं जा सकता, भगवान की अर्चना में पूर्ण पद्धति को पालन करके भगवान का ज्ञान अर्पित, भगवान को ज्ञान के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन ज्ञान के माध्यम से भगवान जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उनका हम महत्व समझ सकते हैं। दोनों में आप अंतर समझ रहे हैं? एक तो है, आपको 2000 का नोट बच्चों को दीजिए और एक चॉकलेट दीजिए, वो क्या लेंगे? चॉकलेट लेंगे। लेकिन जिसको 2000 के नोट का महत्व पता है, वो बहुत सारी चॉकलेट खरीद सकते हैं। उसी प्रकार ज्ञान के मार्ग से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जिसको भगवान प्राप्त हो गए हैं उसके अंदर ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, सब कुछ। मैं गोपियों का उदाहरण दे रहा था पिछली कक्षा में। गोपियों के अंदर भक्ति पराकाष्ठा पे है। लोग बोलते हैं गोपियों के अंदर क्या ज्ञान था, वो तो शास्त्र नहीं जानती थी, वो तो गीता नहीं जानती थी। ये गलत बात है। भगवान जब रास मंडप से गायब हो गए, गोपियां जो गोपी गीत गा रही हैं, उसमें गोपियां बोल रही हैं, नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्मा दृ। गोपियां बोल रही हैं, आप नंद यशोदा के पुत्र नहीं हैं, आप तो अखिल जीवों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा। तो ये ज्ञान कहाँ से आया? पिछले जन्मों में गोपियां वेद श्रुति थी, बड़ी बड़ी ऋषि मुनि थी, तो वो ज्ञान के माध्यम से भक्ति में अब जो प्राप्त हो रहा है उसकी महत्वता को समझ पाए। उसी प्रकार से जब हम वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं तो जो विग्रहों की सेवा करें उनका महत्व जान पा रहे हैं। नहीं तो हमारी सेवा एक रूटीन तो बन जाएगी, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या प्राप्त करें, वो अंतर होता है। तो शुरुआत के लिए ठीक है, यहाँ ठीक है, आप भक्ति कीजिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आप भक्ति कीजिए, आप खुश हो जाएंगे, ये शुरुआत के लिए ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तब समझ में आते हैं, हाँ, भगवान को प्राप्त करके हम क्या प्राप्त करते हैं, तो वो अंतर। और कोई प्रश्न? ये बोल रहे हैं कि हम भगवत धाम से धरातल पे आए क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं थी, हम भगवान से अलग होके मजा करना चाहते हैं। हम जब भगवत धाम वापस जाएंगे तो क्या गारंटी है कि इस तरह विचार नहीं आएंगे? उससे कैसे बचे? दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में अंतर क्या है? भौतिक संसार का एक आशीर्वाद है विस्मृति, भूलना। अभी हम सुन के जाएंगे, बाद में कोई पूछे क्या क्या पॉइंट सीखे, भूल जाएंगे। फिर कॉपी देखना पड़ेगा क्या क्या लिखा है। विस्मृति भौतिक संसार का आशीर्वाद, सब भूल जाओ, भगवान को भूल जाओ, अपनी मुश्किलें भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। आध्यात्मिक जगत का गुण है सत, चित, आनंद। चित यानी पूर्ण ज्ञान, वहां पर सारी स्मृति रहती है। क्योंकि हम भगवत धाम वापस जाएंगे, वहां पर हमें स्मृति रहेगी कि हम आए थे उज्जैन में, हमने जन्म लिया था, बड़े परेशान हुए थे, फिर बाद में हम कुत्ता बने, बिल्ली बने, सुअर बने, मकड़ी बने, लोग हमें झाड़ के फेंक देते थे, कॉकरोच को ऐसे फेंक देते थे। इस तरह जब ये सब याद रहेगा तो फिर इच्छा होगी तुम्हारे आने की? फिर इच्छा नहीं। क्योंकि
क्योंकि हमें याद नहीं रह रहा है भौतिक संसार में, इसलिए हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। एक भक्त एक उदाहरण देते हैं। एक बार मंदिर में एक त्योहार था, एक फेस्टिवल था, और उसमें एक केक बना, तो सारे आइटम परोस दिए गए। अब केक की बारी है, तो जब केक परोसने लगे तो सबकी नजरें उस केक के ऊपर थी, और वो भक्त बांट रहा था उस केक को। केक का टुकड़ा जब प्लेट में गिरा, बड़ा आनंद हुआ कि अभी हम इसका पूरा मजा उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। वो तो केक को उठा करके उस भक्त ने अपने मुंह में रखा, पहला कौर लिया, और उसकी अपेक्षाएं टूट गई, क्योंकि वो मीठा नहीं लगा, नमकीन लगा। क्या हुआ था, केक बनाने वाले ने शक्कर की जगह नमक डाल दिया। लेकिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो सकता है केक के इस भाग में नमक लग गया हो, केक के उस भाग में नमक नहीं लगा, फिर पलट के खाता है, फिर क्या मिलता है, वही नमकीन। उस पूरे केक में नमक ही है, मीठा नहीं है। इसी तरह ही भौतिक संसार है दुखालयम अशाश्वतम। कितना भी प्रयास कीजिए, हम होंगे कामयाब एक दिन नहीं होने वाला है, यहाँ दुख ही दुख मिलने वाले हैं। तो इस तरह स्थिति हमारे अंदर क्यों है, क्योंकि विस्मृति है। यदि हमें अपना पिछला जीवन याद रहे, तो क्या इस जीवन में हम भौतिक ऐश्वर्य के पीछे भागेंगे? क्या हमें अपनी मृत्यु याद रहे, तो क्या हम भौतिक जीवन के पीछे भागेंगे? आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद निश्चित ज्ञान मिल जाता है। तो जब ज्ञान होता है, वो ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काटा जाता है, फिर व्यक्ति वापस नहीं। भगवान गोप कुमारों के साथ वन विहार करते हैं, और सब गोप अपने अपने घर से जब टिफिन लेके आते हैं, तो मैया उनकी ये बोलती है कि पहले कान्हा को खिला, पहले कृष्ण को खिला। तो ये लोग सब अपना अपना डब्बा खोल के रेडी, अभी भगवान बैठे हैं सामने, सब अपने अपने टिफिन से पहला कौर भगवान को खिलाते वृंदावन। एक गोप कुमार अपने टिफिन से कौर निकालता है, कृष्ण को खिलाने की रेडी। कृष्ण ने अपना मुख खोल लिया, अभी खिलाते टाइम वो कौर के ऊपर नजर पड़ी, अभी इतना अच्छा खाना है, मम्मी ने बनाया है, मैं टेस्ट करता तो कैसा होता। ये है भौतिक इच्छा। उसी समय पर कहाँ आ गए, एक स्वप्न शुरू हो गया। स्वप्न शुरू हो जाता है ना, हम जैसे ग्लास देखते हैं, ग्लास का डिजाइन अच्छा है, ये ग्लास तो फ्रीगंज में मिलता है, फ्रीगंज में तो चाट भी मिलती है, चाट में हरी चटनी मिलती है, हरी चटनी धनिया की बनती है, धनिया की रेट बहुत बढ़ गई। इस तरह हमारा दिमाग चला जाता है। तो जब कौर के ऊपर नजर पड़ी, उसी समय आ गया, हाँ अगर मैं भोग करता तो कितना स्वाद आता, ये भोग करने के लिए तो फिर परिवार होना चाहिए, जॉब होना चाहिए। इस तरह भौतिक संसार एक स्वप्न के समान, स्वप्न देख रहे हैं हम सब भौतिक संसार। अब मजे की बात क्या है, ये स्वप्न में मार पड़ती रहती है, ये मार खा खा के जब चेतना वापस आती, नहीं नहीं मैं भोक्ता नहीं हूँ, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम कौन है, कृष्ण है। उस समय जब चेतना वापस आती है, वो ख्याल से हम वापस आते हैं, कभी कभी कोई ख्याल में चला जाता है, हिलाना पड़ता है, कहाँ गए, हाँ वापस आ रहे हैं। उस समय आते नहीं 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 मेरे लिए नहीं, कृष्ण लिए, कृष्ण के मुख में रख देते हैं। तब कृष्ण बोलते हैं कहाँ गए थे, बोले नहीं जहाँ भी गए थे दोबारा नहीं जाना है। यही होता है आध्यात्मिक जगत में वापस जाने के बाद फिर से बहुत ही इच्छा नहीं होती। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। एक बार जो वापस आ जाता है मेरे धाम में, दोबारा से भौतिक संसार में नहीं, ये गारंटी भगवान। प्रभु जी का कहना है कि ज्ञान अहंकार बढ़ाता है, जितना ज्यादा आप जानने लगेंगे उतना अहंकारी हो जाएगी, आपकी सरलता सहजता खो जाएगी, तो भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट।
देखिए दो तरह के ज्ञान हैं, भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान का लक्षण क्या है? जड़ विद्या माया और वैभव, ये माया का वैभव है। जितनी जड़ विद्या होगी उतना क्या होगा, माया के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी, जड़ संसार के प्रति मोह बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? संबंध ज्ञान। ये भगवान के साथ हमारा संबंध को दोबारा से प्रफुल्लित करता है। कैसे? जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो और दुख है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ये ज्ञान जब आता है तो विद्या ददाति विनयम, तब व्यक्ति और विनम्र होता है, क्योंकि वो सीखता है कि हम कितने छोटे हैं। एक बार एक मंदिर में जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो भक्तों को बड़ा कठोरता से पालन करने के लिए शासन कर रहे थे। भक्तों ने जाके प्रभुपाद जी को शिकायत की। अभी प्रभुपाद जी ने उस भक्त को बुलाया, प्रभुपाद जी उससे बात करने लगे, बोले देखो आध्यात्मिक संसार इतना बड़ा है, उसकी तुलना में भौतिक संसार बहुत ही छोटा, एक डस्टबिन के समान है। और इस भौतिक संसार में करोड़ों करोड़ों विश्व है, जहाँ महाविष्णु अपने रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड हमारा है, और उस ब्रह्मांड में 14 भवन हैं, उनमें से एक भवन है भूलोक। उस भूलोक में हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में एक महाद्वीप है अमेरिका, उस महाद्वीप में एक स्टेट है ये सैन फ्रांसिस्को। उस सैन फ्रांसिस्को में कितने बड़े बड़े उपनगर हैं, कॉलोनीज हैं, उसमें एक हमारा ये क्षेत्र है। उस क्षेत्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में एक ही हमारा छोटा मंदिर है, और उस मंदिर में बैठे हुआ अध्यक्ष भी सोचता है मैं कितना बड़ा हूँ। तो आध्यात्मिक ज्ञान से हम विनम्र बनते हैं, जहाँ हम देखते हैं हम कितने छोटे हैं, भगवान कितने बड़े हैं। वो ज्ञान कभी अहंकार नहीं देगा, क्योंकि वो ज्ञान हमें कृष्ण से संबंधित करता है। अहंकार क्या देता है? जड़ विद्या माया का वैभव। हमें लगने लगता है कि हम भोगता, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सभी चीजों का भोग्य वस्तु नहीं हूँ, मैं भोगता हूँ। यहाँ जितने लोग हैं सब मेरे मजे के लिए। जब आईने के सामने कोई तैयार होता है ना, उसको कैसा लगता है, मैं मंदिर जाऊंगा संडे फीस में, सब मुझे ही देखेंगे, कोई नहीं देखने वाला है, आपको कोई नहीं देखेगा। लेकिन जब हम तैयार होते हैं तो कितना लगता है, हेयर स्टाइल, नाई के सामने जाके उसके सिर पे बाल नहीं है, इधर से पूरा खाली, इधर थोड़ा कुछ है, वो जाके बोलता है मेरा हेयर स्टाइल बना है। नाई भी सोचता है से क्या हेयर स्टाइल बना है। उस तरह भौतिक ज्ञान हमारा माया के प्रति आसक्ति बढ़ाती है, जहाँ अहंकारी बन जाए। लेकिन भगवत ज्ञान भगवान के प्रति भाव की वृद्धि करते हैं। जो आप बोल रहे हैं भावग्राही जनार्दन, भाव तभी आएगा जब हम समझेंगे हमारा कृष्ण से संबंध क्या है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। आप गली में एक बहुत ही सुंदर बच्चे को घूमते हुए देखते हैं, कितने लोग हैं अपने घर में उसको रख लेंगे, उसकी फीस भी भरेंगे, उसको खाने के लिए भी देंगे, उसका सब कपड़े भी साफ करेंगे, सब कुछ करेंगे। कौन लोग हैं? बहुत सुंदर बालक है, गली में घूम रहा है, आप अपने घर में ले आएंगे, उसकी फीस भी भरेंगे, सब काम करेंगे। कितने लोग हैं? कोई नहीं है माता जी, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन अपना बच्चा चाहे काला भी हो, चाहे अच्छा नहीं दिखता हो, चाहे उसकी नाक बह रही हो, तो कैसे ही हो, उसको हम पालेंगे भी, उसको साफ भी करेंगे, उसको खिलाएंगे भी, सब कुछ करेंगे। क्यों? हमारा संबंध है, हमारा है। तो भाव कब आता है? जब संबंध होता है। कृष्ण के प्रति कब भाव आएगा? जब संबंध तो पता हो कि कृष्ण हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति है, उनने हमारी सृष्टि की है, हमारे पिता हैं, हमारे माता हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे मित्र हैं, तभी भाव आएगा। अगर कृष्ण के बारे में हम जानते ही नहीं है तो भाव नहीं आएगा। आप कोई गांव के व्यक्ति को बोलो सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा व्यक्ति, बोले होगा कौन, हमको क्या मालूम है। जब तक ज्ञान संबंध ज्ञान नहीं है तब तक भक्ति में भाव नहीं है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति के ऊपर नहीं है,
लेकिन उस भक्ति में बढ़ने के लिए संबंध ज्ञान जरूरी है, भौतिक ज्ञान से संबंध ज्ञान बहुत, ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी हम कुछ सर्टिफिकेट्स देना चाहते हैं। हम लोग वैष्णव सदाचार के ऊपर पिछले कुछ हफ्तों से एक कोर्स कर रहे थे,